अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवजा के इल्जाम की है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल जस्टिस मुनीब ने कहा, जंगी हालात ना हो तो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई रहनुमा को अस्करी टावर हमला केस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। हज का रुकन आजम वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। 25 लाख आजमीन हज की मीना से मैदान अरफात आमद। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद खुतबा हज देंगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज का उर्दू समेत 20 जुबानों में तर्जुमा किया जाएगा। रूसी तेल का दूसरा जहाज भी कराची पहुंच गया। 56,000 मैट्रिक टन खाम तेल लाने वाला क्लाइड नोबल बंदरगाह पर लंगर अंदाज। ब्रिथिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेयर पर लाया जाएगा। भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के मामले पर तशवीश का इजहार करते रहेंगे। वॉशिंगटन में अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान मेथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का अज़्म बरकरार है। मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानह 9 मई की मजम्मत, शरपसंदों को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। गुमल यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा रेडियो पाकिस्तान पेशावर पहुंच गए। सरकारी और निजी इमदाद पर ऐसे शरपसंदाना हमले नाकाबिले कबूल करार है।